आज वर्कआउट नहीं तो हल्का वर्कआउट लगाऊंगा। ये ले देख गए तो टुडे वी आर गोइंग टू डू लेग्स। लेग्स का तेल का वर्कआउट होने वाला है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वाट्स। अभी इसको शुरू करते हैं। आज हम ट्रेन करने वाले हैं शुभान भाई के साथ। यार मसला ये है शुभान भाई के लेग्स का वर्कआउट जो है ना वो हम लोग बड़ा स्किप करते हैं। तो बॉडी का मेन पार्ट जो है वो लेग्स हैं आपके, जिसके साथ आपकी अपर बॉडी भी खूबसूरत लगती है। ज़्यादातर लोग जो है बिगनर लगा ले अभी जनरेशन जो है वो ज़्यादातर जो है ना अपर ट्रेन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बाइसेप बहुत अच्छा हो, चेस्ट हो, ऐसे ही है। लेग के साथ बहुत खूबसूरती है। साड़ी गल हो रही है। एक और चीज़ के यार, अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो अपनी बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए बेल्ट लाजमी से बांध लें। लेकिन अभी इतना को वेट खास नहीं है, दूसरा सेट है, ठीक है, 4 सेट हो गए। पहला मामो वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा यार, ये जो लेग एक्सटेंशन होती है या कोई भी एक्सरसाइज होती है, हर बंदे की अपनी उसमें टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल अभी शुभान भाई लगा रहे थे तो उनके सेट्स काफ़ी एक्सप्लोजिव थे। मतलब आप देख रहे होंगे वो किसी जगह पे होल्ड नहीं कर रहे वेट को, स्लो नहीं लेके आ रहे नेगेटिव में। तो वो उनका अपना एक स्ट्रेटजी है, उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई है चीज़ें, उनका माशाल्लाह से 5-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम उनके जैसे ट्रेन नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि वो क्यों इस तरह से एक्सप्लोसिव सेट्स लगा रहे हैं और उनका वेट भी कंट्रोल है, ठीक है। इसलिए बेसिक टेक्निक मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपके सेट्स भी अगर एक्सप्लोसिव चले जाएंगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फुली मैक्सिमम कंट्रैक्शन आपके लेग्स में फील होगा। मैं वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो इसकी बेसिक ये है कि आप वेट को लिफ्ट करें ऊपर, यहाँ पर स्क्वीज़ करें, फिर स्लो नीचे लेके आए, फिर उठाएं, यहाँ पे स्क्वीज़ करें। तो इस तरह से जब आप इस टेक्निक को मास्टर कर लेंगे तो फिर आप हैवी वेट भी चले जाएं, यही टेक्निक रखें या फिर एक्सप्लोजिव लगाएं, वेट आपका कंट्रोल्ड ही रहेगा किसी हद तक। बाकी माइंड मसल कनेक्शन बहुत डिपेंड करता है। अगर आप स्लो भी लगा रहे हैं तो आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो हर बंदे का अपना स्टाइल है, हर बंदे का अपना तरीका लगाने का। तो आपको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क करती है। सो जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू लेग प्रेस। इसके भी 4 सेट होंगे, फिर उसके बाद दूसरी देखेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah.
कोई गल नहीं।